अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं हम सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। तो दोस्तों, सितंबर का महीना एंड होने वाला है और यहाँ पर मैं हमेशा की तरह आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ उन स्मार्टफोन से रिलेटेड जो कि अक्टूबर में हमें पाकिस्तानी मार्केट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। सितंबर ठीक ठाक रहा लेकिन अक्टूबर में हमें बहुत ही कमाल के स्मार्टफोन जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो कमाल की लिस्ट है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। मैं हूँ सैफ, आप देख रहे हैं गुरु राना। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। ऑलराइट, तो बात करें यार स्मार्टफोन से रिलेटेड जो कि अगले महीने देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले बहुत ही कमाल का स्मार्टफोन, मेरा फेवरेट स्मार्टफोन पोको की तरफ से हमें देखने को मिलेगा, पोको X3 NFC पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। बल्कि पोको ने टीज़ करना भी स्टार्ट कर दिया है अपने सोशल मीडिया के ऊपर, तो काफ़ी जल्दी ये स्मार्टफोन जो है वो शायद इसी मंथ के एंड पे हमें देखने को मिल जाए या अक्टूबर के बिल्कुल स्टार्ट में देखने को मिल जाए। तो ये स्मार्टफोन जो है वो काफ़ी एक्साइटिंग किस्म का स्मार्टफोन है। स्नैपड्रैगन 732G का चिपसेट है, यहाँ पर हमें 5200mAh की बैटरी देखने को मिल रही है और कमाल के यहाँ पर हमें जो है वो 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल रहा है। तो काफी एक्साइटिंग किस्म का ये स्मार्टफोन जो है वो निकल के आने वाला है। इसके बाद अगर बात करें अक्टूबर की, तो यहां पर हमें Realme की तरफ से Realme 7 सीरीज पाकिस्तानी मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है। Realme 7 और Realme 7 Pro हमें पाकिस्तानी मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। अब Realme ने कुछ चेंज किया है, प्रो मॉडल के अंदर हमें AMOLED डिस्प्ले प्रोवाइड कर दिया है, 720G का वही जो चिपसेट था वही प्रोवाइड किया गया है, लेकिन हमें यहां पर जो है वो AMOLED डिस्प्ले प्रोवाइड कर दिया गया है। उसके अलावा अगर बात करें Realme 7 की, तो वहां पर भी हमें जो है वो MediaTek का Helio G95 का चिपसेट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है और सुनने में आ रहा है कि काफी एक्साइटिंग किस्म का और काफी पावरफुल किस्म का चिपसेट जो है वो देखने को मिल रहा है और 90Hz का रिफ्रेश रेट भी वहां पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगर बात करें, तो यार Oppo की F सीरीज का अगला स्मार्टफोन हमें देखने को मिल सकता है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। बल्कि दो स्मार्टफोन देखने को मिल सकते हैं, Oppo F15 कह रहा हूं, Oppo F17 और Oppo F17 Pro, ये दो स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर देखने को मिल सकते हैं और एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि दोनों ही स्मार्टफोन जो है वो मेरे ख्याल से ओवर प्राइस चले जाएंगे और यहाँ पर हमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्राइस देखने को मिलेगी इन दोनों स्मार्टफोन की। ओप्पो के बाद अगर बात करें वीवो की, तो यार वीवो की V20 सीरीज हमें पाकिस्तानी मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर भी हमें दो स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे इस दफ़ा, वीवो V20 का जो ओरिजिनल एक स्मार्टफोन होगा वो, और उसके साथ हमें जो है वो SE एडिशन देखने को मिलेगा, यानी वीवो V20 SE जो कि लोअर वेरियंट होगा, हमें कोई 45,000 के आसपास देखने को मिलेगा। और उसके अलावा जो वीवो V20 है वो कोई 60-65,000 के आसपास हमें पाकिस्तानी मार्केट के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो वहां पर भी काफी एक्साइटिंग किस्म का और काफी गुड लुकिंग किस्म का स्मार्टफोन हमें देखने को मिलेगा वीवो V20 की शक्ल में। इसके अलावा Redmi की तरफ से भी हमें जो है वो एक बजट स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है, Redmi 9i, तो वो स्मार्टफोन भी हमें देखने को मिल सकता है under 20,000। इसके अलावा अगर बात करें Samsung की, तो Samsung की तरफ से हमें कुछ स्मार्टफोन जो है वो देखने को मिल सकते हैं। Samsung Galaxy S20 FE यानी फैन एडिशन हमें जो है वो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से Samsung ने टीज भी करना शुरू कर दिया और काफी जल्दी ये स्मार्टफोन जो है वो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर प्री बुकिंग के लिए जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें Samsung की, तो Samsung Galaxy M31S भी पाकिस्तानी मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। उसके अलावा Samsung Galaxy M51 भी पाकिस्तानी मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है और साथ ही साथ एक और सीरीज जो है वो Samsung की तरफ से इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च की जा रही है, F सीरीज, तो उसका पहला स्मार्टफोन Samsung Galaxy F41 हमें जो है वो इंडिया के अंदर तो 8 अक्टूबर के आसपास देखने को मिलेगा। आप देखते हैं कि पाकिस्तान में ये सीरीज़ आती है कि नहीं आती और पाकिस्तान में जो है अगर आती है तो किस प्राइस रेंज के अंदर हमें देखने को मिलेगी। काफ़ी एक्साइटिंग किस्म की सीरीज़ है और ये भी जो है वो ऑनलाइन सीरीज़, जैसे M सीरीज़ हमें देखने को मिलती है, ऐसी ये सीरीज़ भी F सीरीज़ हमें देखने को मिल सकती है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। इसके बाद अगर बात करें यार इन्फिनिक्स की, तो इन्फिनिक्स का मोस्ट एंटिसिपेटेड स्मार्टफोन इन्फिनिक्स 08 भी जो है हमें पाकिस्तानी मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा अक्टूबर के जो है वो सेकेंड वीक के अंदर हमें जो है वो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर देखने को मिल जाएगा। ये स्मार्टफोन भी जो है वो इन्फिनिक्स ने टीज करना शुरू कर दिया और लाजमी हमें जो है ये स्मार्टफोन बहुत ही जल्दी अक्टूबर के महीने में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा टेक्नो की तरफ से भी हमें टेक्नो कैमन 16 पाकिस्तानी मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा अक्टूबर के महीने के अंदर। तो ये दोनों स्मार्टफोन जो है वो काफ़ी मिलते जुलते स्मार्टफोन है और हमें अक्टूबर के महीने के अंदर दोनों ही स्मार्टफोन जो है वो पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें यार अगर Xiaomi की, तो Xiaomi की तरफ से स्मार्टफोन हमें जो देखने को मिल सकता है वो Xiaomi का Mi 10T स्मार्टफोन होगा। T सीरीज़ जो है वो हमें देखने को मिलेगी, इसके दो वेरिएंट होंगे Mi 10T और Mi 10T Pro। अब देखना होगा कि पाकिस्तान में लॉन्च होते हैं कि नहीं होते, मेरे ख्याल से तो होने चाहिए। जैसे 9T Pro हमें पाकिस्तानी मार्केट के अंदर देखने को मिला था,
बहुत ही कमाल का, बहुत ही सॉलिड किस्म का स्मार्टफोन था और बहुत ही अग्रेसिव प्राइस के ऊपर हमें देखने को मिला था। अब देखना ये होगा कि ये दोनों स्मार्टफोन हमें जो है वो कब तक पाकिस्तानी मार्केट के अंदर देखने को मिल जाते हैं। एक्सपेक्टेड यही किया जा रहा है इंडियन मार्केट के अंदर तो अक्टूबर में रिलीज़ हो जाएंगे, और पाकिस्तानी मार्केट के अंदर भी यही कहा जा रहा है कि अक्टूबर के अंदर ये स्मार्टफोन हमें देखने को मिल सकते हैं और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव किस्म की प्राइस के अंदर हमें देखने को मिल जाएंगे। काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की, सॉलिड किस्म की परफॉर्मेंस यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। अगर ये स्मार्टफोन हमें कोई 70-80,000 के अंदर पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होते हुए नज़र आ गए तो मेरे ख्याल से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की धूम मचाने वाले हैं। इसके अलावा यार लास्ट के अंदर जो स्मार्टफोन हमें देखने को मिल सकता है वो है आईफोन 12। तो गुर्दे शुर्दे अपने तैयार कर लें, अगर तो आप आईफोन के लवर हैं तो यहाँ पर जो है वो आईफोन 12 भी हमें अक्टूबर के महीने के अंदर लॉन्च होता हुआ नज़र आएगा। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, उम्मीद है आप लोगों का कोई फेवरेट स्मार्टफोन जो है वो अक्टूबर के महीने के अंदर लॉन्च हो रहा होगा। मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका कौन सा फेवरेट स्मार्टफोन है और कौन से स्मार्टफोन का आप वेट कर रहे हैं अक्टूबर के महीने में। वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। दिस इज सैफ राणा साइनिंग आउट, अल्लाह हाफिज़।